विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवासी डॉक्टरांच्या माड या संघटनेने 4 दिवसांपासून सुरू असलेला संप संध्याकाळी मागे घेण्यात आलाय. माडच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची सोमवारी वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, पालिकेच्या महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनामधून TDS कपात करणे या माडच्या मागण्यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून त्वरित तोडगा काढावा असे मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभाग तसेच पालिकेस सांगितले. माडने दिलेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांच्या कार्याची दखल घेऊन सन्मान निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. संप मिटल्याने घाटीतील रुग्णसेवा पूर्वपदावर आल्याचं बघायला मिळालंय. नमस्कार. कल हमारे संप का 4th दिन था और संप के 4th दिन पे हमने ये सब पीछे लिया है क्योंकि सरकार ने माननीय मंत्री महोदय के साथ हमारी बैठक हुई और उस मीटिंग में सरकार ने हमारी 4 में से 3 मांगे पूरी कर ली है. उन्होंने हमें हमारा कोविड का जो भत्ता है वो देने का उन्होंने आश्वासन दिया है. इसका प्रोसीडिंग जो है वो 3 दिन के बाद चालू हो जाएगा और पूरा एक ये जो ये अमाउंट है वो 1 महीने के अंदर वो हमें मिल जाएगा ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है. ये मीटिंग हमारे सेंट्रल मार्ड के बीच और हेल्थ सेक्रेटरी और माननीय मंत्री मुख्यमंत्री साहब इनके उपस्थिति में हुई. और दूसरा जो हमारा मांगनी था कि हॉस्टल का रिनोवेशन का, तो वो भी उन्होंने पूरा करने का हमें आश्वासन दिया है. और 4th जो हमारी मांग थी कि BMC का TDS का इशू, वो भी सॉल्व हो गया है.